Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद आरजेडी को एक साइड इफेक्ट दिखने लगा है। दरअसल रघुवंश सिंह के स्वजातीय कई बड़े नेता राजद में शामिल होने की तैयारी में थे, लेकिन सूत्र बताते हैं कि फिलहाल उस पर ब्रेक लग गई है। वहीं जेडीयू को नेता भी राजद में शामिल होने की तैयारी करने वाले रघुवंश के स्वजातीय नेताओं से फैसले पर फिर से सोचने को नसीहत दे रहे हैं। दरअसल राजद अपने मुस्लिम यादव समीकरण के अलावा मिशन आर यानी कि राजपूत नेताओं को राजद में शामिल करने की पूरी तैयारी किए बैठा है। तारीख भी लगभग फाइनल हो चुकी है, लेकिन इस बीच रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन ने राजद के मिशन आर को जोरदार झटका दे दिया है। सूत्रों से ये खबर है कि फिलहाल राजद ने अपने मिशन पर ब्रेक लगा दिया है। राजद में शामिल होने को लेकर इन बड़े नामों का चर्चा है। पहला नाम आता है पुतुल देवी, जो पूर्व सांसद रह चुकी हैं। उनकी बेटी हैं श्रेयासी सिंह, जो कि विधायक के चुनाव लड़ने की कोशिश में हैं। नरेंद्र सिंह की बात करें, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें पूर्व एमएलसी सुनील सिंह की, या फिर रामा सिंह की बात कर लें, जो कि हाजीपुर से सांसद रह चुके हैं। हालांकि इनके अलावा और भी कुछ नाम हैं जिन पर राजद की नज़र है, लेकिन रघुवंश सिंह के निधन ने राजद को फिलहाल झटका दे दिया है। दूसरी ओर रघुवंश बाबू के निधन के बहाने जेडीयू राजपूत नेताओं से आग्रह कर रहा है कि राजद में आर फैक्टर को कोई तवज्जो नहीं मिलने वाली है। इसी क्रम में बिहार सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह ने पुतुल देवी और उनकी बेटी को जेडीयू में आने का ऑफर तक दे दिया है। जाहिर है कि जेडीयू रघुवंश सिंह के मौत के बहाने राजपूत जाति पर डोरे डालने में जुट गई है। सत्तारूढ़ पार्टी रघुवंश सिंह के मौत के बहाने राजपूत जाति के वोटरों के भावनाओं को छूना चाहती है। हालांकि राजद जेडीयू के चाल को बखूबी समझ रहा है, लेकिन इन नेताओं के राजद में शामिल न होने के सवाल को आरजेडी विधायक विजय प्रकाश ये कहकर टालने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि कोई बात हो या बात नहीं बन रही हो। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.